हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में 50 लाख की चोरी का खुलासा। ड्राई फ्रूट कारोबारी के घर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, साथी की गुजरात में तलाश। महामंदिर थाना अंतर्गत राजीव नगर सी सेक्टर में रहने वाले एक ड्राई फ्रूट कारोबारी के घर गत 26 जुलाई की रात 50 लाख से अधिक कीमत की ज्वेलरी व नकदी चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शाते चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके हिस्ट्री शीटर साथी की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम गुजरात भेजी गई है। पकड़ में आए बदमाश और उसके साथी दोनों ही पीपाड़ थाने के हिस्ट्री शीटर हैं और इनके खिलाफ नकबजनी के दर्जनों मामले शहर व ग्रामीण पुलिस के थानों में दर्ज है। महामंदिर थाना अधिकारी सुमेर दान ने बताया कि गत दिनों महामंदिर राजीव नगर निवासी ड्राई फ्रूट कारोबारी नंद किशोर माहेश्वरी के घर से करीब 15 से 16 लाख रुपए की नकदी, 50 से 60 लाख रुपए के स्वर्ण भूषण व काफी मात्रा में चांदी के जेवर व अन्य कीमती सामान चोरी हो गए थे। इस चोरी का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों ने घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो दो संदिग्ध बदमाशों की सुराग मिले। पड़ताल में सामने आया कि वे दोनों संदिग्ध पीपाड़ शहर थाने के हिस्ट्री शीटर व कुख्यात नकबजन कोसाना निवासी बाबूलाल माली और उसका साथी साथन निवासी श्यामलाल जाट हो सकते हैं। पुलिस टीम की जांच में ये भी पता चला कि बाबूलाल वारदात के बाद गुजरात भाग गया था। उसकी तलाश के लिए इंस्पेक्टर हरीश चंद्र सोलंकी की टीम को गुजरात भेजा गया है। बाबूलाल के साथी हिस्ट्री शीटर श्यामलाल की पुलिस शहर व आसपास के इलाकों में तलाश कर रही थी। इसी बीच थाने के कांस्टेबल गोपाल कृष्ण को मुखबिर से सूचना मिली कि श्यामलाल मसूरिया स्थित अपने ससुराल की तरफ आया हुआ है। इस पर न्यू कोहिनूर सिनेमा के पीछे श्यामलाल जाट के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। यहां से पुलिस ने श्यामलाल को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसने बाबूलाल के साथ राजीव नगर में वारदात करना स्वीकार कर लिया। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे चुराई गई नकदी स्वर्ण भूषण की बरामदगी के प्रयास कर रही है। 23 तारीख को नंद किशोर महेश्वरी ने थाने पर रिपोर्ट दी थी कि कल रात को वो अपने पिताजी के घर परिवार सहित गया हुआ था। अज्ञात चोरों ने उसके घर में चोरी की, करीब 16 लाख रुपए नकद एवं 40-50 तोला गोल्ड चोरी हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान सीपी साहब डीसीपी साहब ने जल्द खुलासा करने के निर्देश प्रदान किए, जिस पर डीसीपी साहब एसीपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की गई तथा डीसीपी साहब द्वारा एक स्पेशल टीम भी गठित की गई तथा वारदात के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन करने तथा उनके आरोपियों के रूट मार्च का पता करने तक पांचवी रोड तक लगातार कैमरे चेक किए। अभय कमांड के और निजी कैमरे लगभग 100-150 कैमरों को फुटेज चेक किए गए, जिससे ज्ञात हुआ कि दो युवकों द्वारा ये चोरी की गई है तथा पैदल चलने के आधार पर तथा पुराने नकबजनियों के चलनशुदा अपराधियों की पता किया तथा मुखबिरों से पता करने में ज्ञात हुआ कि पिंपर थाने के दो एचएस बाबूलाल जाट एवं बाबूलाल माली एवं श्यामलाल जाट द्वारा ये वारदात की जा सकती है, जिस पर बाबूलाल के गुजरात भागने की संभावना थी। स्पेशल टीम हरीश सोलंकी के नेतृत्व में भेजी गई। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।